गुड इवनिंग। तो अभी है शाम का टाइम और मैं और मुन्नी आ रखे हैं घूमने और यहाँ पके हैं घर के आम, तो हम खा रहे हैं। वाह मजा आ रहा ना, बहुत मजा आ रही है, खट्टे मीठे हो रहे हैं, लीजिए आप भी खाइए। मलेठी के सैण आ रखे हैं हम और देखो उत्तराखंड में कितने मीठे मीठे आम पक रखे हैं, खट्टे मीठे और बहुत स्वाद आ रहा है। और उस पेड़ पे कुछ बच्चे हैं वो ऊपर से झाड़ रहे हैं पत्थर से और हम दोनों नीचे बैठ के आराम से खा रहे हैं। और अभी हम चौहान जी का क्रेशर आपको दिखाएंगे और यहाँ का पूरा पहाड़ का व्यू। तो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। भाई साहब की गाड़ी ए अभी न धुल आ रहे ढूंगा, यू उधर ली जाए जरा जी वेला भाई, इधर ली जाए यहाँ। आराम से बैठ जाओ, आप आराम तक लीजिए, आप आराम तक आम खा के। और अभी हैं हम चौहान जी के क्रेशर में और हम मुन्नी सुनाएगी मुझे एक गाना, हम दोनों दोनों गढ़वाली गाना गाएंगे या हिंदी गाना गाएंगे, बता हिंदी गाना। चलो स्टार्ट करो कोई सा गाना। अच्छा हिंदी गाना गाएगी मैडम, गढ़वाली गाना आपका साथ दूंगी मैं, आप चलो ठीक स्टार्ट कर लीजिए कोई सा गाना भी। हुस्न पहाड़ों का क्या कहना कि बारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, क्या कहना कि बारों महीने यहाँ मौसम जाड़ों का, रुत ये सुहानी है मेरी जान, रुत ये सुहानी है ये सर्दी से डर कैसा संग घर थैंक यू। और हम क्रेशर में आ चुके हैं और ये है चौहान जी का क्रेशर, ये है मलेठी सैंड में वो बनती है बजरी और ये हाथ क्यों धो रही हैं आप? अरे आराम से चिपचिपे हो गए। अच्छा कहाँ खाए ये आम आपने? ऊपर तो खाए, ये देख क्या बड़ा, ये क्या का सीबल्ड देखो उत्तराखंड में कितने अच्छे बैल पाए जाते हैं। अरे कुछ नहीं, चलो दिखाते हैं, ये है चौहान जी का गाड़ी चलाएगी, गाड़ी गाड़ी चलानी है, चलो तुम चलो उसमें। आप कहाँ जा रही हैं इधर को? लड़के वॉलीबॉल खेल रहे हैं उनको देख के आते हैं, चलो। और इधर बहुत अच्छा हो रखा है मौसम, बहुत मस्त मौसम हो रखा है उत्तराखंड में, हल्की सी बारिश हो रही है, हल्की सी धूप हो रही है, इसलिए हम शाम को आ गए घूमने। और यहाँ है क्रेशर, तो देखो हम आपको दिखा रहे हैं, आपको भी अगर नज़दीक वालों को कोई मटेरियल चाहिए हो तो ले सकते हैं। ये क्रेशर कौन सी जगह में है मैडम? मलेठी के साइड में, मलेठी के साइड। कुछ बोल के चलो। जय माता दी। हाँ छोड़ दे, अब श्याम थे नहीं, शुरुआत है अभी तो। शुरुआत है, बहुत मीठा हो रहा है, मैं लास्ट तक खाऊंगी इसे। पुटू बोर बारी शुरुआत है। हाँ। इन घर के आमों को छोड़ भी दे भाई। तो ये हमने दिखाया आपको चौहान जी का क्रेशर और चलो। ये मेरी गाड़ी देखो ना, ये तेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी में बैठ जा। अच्छा आजा, 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 जा, बैठ जा। अच्छा क्या बात, पे पाल रखी हैं बकरियाँ,
कितनी सारी बकरियां हैं। अरे देख तो ले ले ले, ऐसे मत बोला कर रे। में यहाँ बहुत सारे उत्पादन होते हैं, तो पहले तो ये मुर्गे के उत्पादन है, ये मुर्गा पकड़ उसको इस तरीके से। और देखो उत्तराखंड में उद्योग बहुत अच्छी तरह चल रहा है, जैसे नीलम दीदी कर रही हैं, तो उनके साथ ये एक बहन भी है हमारी। तो आज हम घूमते घूमते जैसे आए तो हमें इतना कुछ मिला देखने को। ये देखो कितनी अच्छी तरह तैयारी कर रखी है, और ये सुखाने के लिए रखी है, अभी जैसे सूख जाएंगी। पैकिंग करके आप भी घर पे मंगा सकते हो, शुद्ध गाय का गोबर है। मैं ये हवन की लकड़ी बना रही हूँ। अच्छा, हवन की लकड़ी जी, तो हवन में काम आएंगी ना ये? जी जी, ये हमारे पहाड़ की बदरी गाय का गोबर है। अच्छा, और इसमें पहाड़ी जड़ी-बूटियाँ मिली हुई हैं। अच्छा, और ये चूँकि गोबर, गौ माता का गोबर अपने आप में ही शुभ होता है। हाँ जी, पर इसके साथ पहाड़ी पूजनीय और पवित्र जड़ी-बूटियाँ भी हैं, तो इसलिए हम ये हवन की लकड़ी बना रहे हैं। मेरा नाम नीलम सिंह नेगी नीलकर है। अच्छा, तो दीदी ने अपना नाम बताया, नीलम सिंह नेगी नीलकंठ। अच्छा, नीलम सिंह नेगी नीलकंठ। हाँ, तो दीदी तैयार करती है हवन की लकड़ियाँ, और दीदी को काफ़ी कुछ आता है, बहुत सारे उद्योग करती है दीदी, मशरूम का भी करती है। और दीदी यही रहती है, हमारी बिल्कुल क्लोज है, आंटी भी बोल सकते हैं, दीदी भी बोल सकते हैं, बिल्कुल और दीदी जो मन फ्रेंड भी बोल सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इनके साथ हमें। और देखो ये मशीन है जिसमें तैयारी होती है, और ये हर जगह से गोबर लाके और इसमें जड़ी बूटियां डाल के। ये है कुंजा, और कुंजा बहुत काम आता है जैसे पूजा पाठ में भी। तो यहाँ भी हवन की जो लकड़ियाँ बन रही हैं गोबर की, तो उसमें भी ये लोग कुंजा डाल रहे हैं, और ये मुन्नी बना रही हैं यहाँ पे। ये बनाई है गोबर की, तो ये इसलिए है कि जैसे कोई ख़त्म हो जाता है और लकड़ी की प्रॉब्लम होती है दाह संस्कार के लिए, तो ये वाली लकड़ी बहुत लंबी थी, थोड़ा हम दोनों ने उठा के तोड़ दी है, तो इस काम आती है। अगर आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम चलते हैं दीदी, तब तक अच्छा बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।